मात्र 24 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट जम्मू कश्मीर में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। आज उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं उनसे कि इस स्वतंत्रता दिवस पर कैसे याद करते हैं वो उन्हें। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मैम आज उनको आप याद करती हैं। काफ़ी साल हो गए हैं, जिस तरह से आपने बताया कि 2000 में वो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, तो कैसे याद करती हैं? बेटा, आप कैसे याद करते? याद तो 24 घंटे है, हर समय दिल में है। बस ये है, जब ये ऐसा इस तरह का दिन आता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो मन में बहुत बड़ी हलचल होती है, बहुत ज़्यादा हलचल होती है। बहुत क्या बताएं, अब हम हर वक्त हर समय ये समझ लो कि इन दिन रातों को नींद नहीं आती है, हर वक्त वही चीज़ें ध्यान में आती हैं। इसलिए हम तो इस टाइम बाहर निकलते ही नहीं हैं, ऐसे वक्त में कम से कम निकलने की कोशिश करते हैं। क्या कहें। और हमारे साथ शहीद लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट के पिताजी मौजूद हैं, जो खुद आर्मी में रहे हैं। सर, क्या कहना है आपका अपने बेटे को लेके? सर, आज जबकि वो हमारे बीच में नहीं है, पर ये कहेंगे कि उनकी जो यादें हैं, जो उनके किए गए काम हैं, हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगे। हाँ, वो तो रहेंगे, वो तो हमेशा रहेंगे। एक ही बेटा था हमारा, समझे, वो आर्मी में जाना जाता था और GR में ही जाना जाता था, गोरखा रेजिमेंट में, तो देश के लिए मतलब कुर्बान हो गया। सर, ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी याद तो कभी हमसे दूर नहीं होगी, पर कहते हैं कि जब देशभक्ति का ऐसा कोई ओकेज़न आता है या कुछ ऐसे गाने बजते हैं, तो सर कहीं ना कहीं से वो एक याद फिर से उभर जाती होगी अपने बेटे को लेके। तो दिलाती है, देशभक्ति के गाने आते हैं उसमें याद आती है, हमेशा याद, जब तक जिंदा है तब तक याद रहेगी, वो याद नहीं हट सकती। तो हमारे साथ हरि सिंह बिष्ट जी के पिताजी थे, जिनका कहना ये है कि उनकी याद तो हमेशा रहेगी, चाहे देशभक्ति का त्यौहार हो और चाहे ना हो। वहीं उनके माता का भी यही कहना है कि हम अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकते। उसके अंदर एक जुनून था, जहां उसने अपनी 3 नौकरियों को छोड़ के आर्मी के यहाँ जाने का सोचा। तो देखना ये है कि बाकी के लोग भी अपने बच्चों को किस तरह याद करते हैं, वहीं पे देश की सेना को भी बच्चों के दिए गए बलिदान को नहीं भूलना चाहिए और उनके माता पिता की बातों को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए, जिससे कि समस्त माता पिता अपने बच्चों को सेना में भेजने के सपने को पूरा कर सकें। संदीप खे, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।